यहाँ बस अब यहाँ के लोगों ने बताया है कि तकरीबन थोड़ा सा आगे जाके आधा किलोमीटर के रास्ते पे हमें निहाल आबशार है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कहाँ है। अभी चल रही हूँ और ये निहालपुर गांव है, विलेज है, जहाँ पर ये वाटरफॉल है। और धूप बहुत ज़्यादा है। Sharp right. और बिल्कुल हम लोग वाटरफॉल के करीब पहुंच गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। ये यहाँ पर आबशार है और थोड़ा सा और आगे हम लोग जाएंगे, फिर हमें ये मैं आपको दिखाती हूँ कवर करके इसको ना अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा दुश्वार है, लेकिन ये है कि हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन तक, तो आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल, अच्छा जी, संडे का दिन है और यहाँ पर तो माशाल्लाह ईद जैसा समा था। मैं गई हूँ तो वहाँ पर आगे ढेर हमारे पख्तून भाई जो थे वो इंजॉय कर रहे थे इस आबशार को, और छोटे छोटे बच्चे जंप्स लगा रहे थे और इंजॉय हो रहा था सनी डे। और नीचे इतना मज़े का पानी और इतना खूबसूरत व्यू और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी पानी वाली आबशार जो बह रही थी, उसके जो लोग बैठे हुए थे और इंजॉय हो रहा था। और छोटे छोटे विलेजेस में इसी तरह लोग इंजॉय करते हैं, चले जाते हैं इकट्ठे होके, ख़ासकर संडे वाले दिन, और वहाँ पर खाने बनाए जाते हैं, मिल के बैठ के सारे एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये मुझे देखकर इतना अच्छा लगा उनके विलेज का ये सारा सिस्टम, कि दिल कर रहा था कि मैं भी वहाँ पर उन लोगों के साथ खाना भी खाऊं और इन्जॉय करूं। और नज़र आ रहा है ये है निहालपुर आबशार, बहुत ही खूबसूरत, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को यहाँ का पता है। सो मेरा ब्लॉग देखकर आप लोग ज़रूर अटक में निहालपुर आबशार में आएं और इन्जॉय करें। निहालपुर गांव में ये जो निहार आबशार है, ये अटक की बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक वाटरफॉल है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शहर से बहुत दूर बिल्कुल विलेज के अंदर आपको चल के जाना पड़ता है। बड़ा एडवेंचर सा सिस्टम, बहुत खूबसूरत लगता है, आप इंजॉय करते हो। और बिल्कुल एक साइड पे हट के है, वहाँ पर आपको कोई डर खौफ नहीं है, अपने लोग हैं वहाँ पर और जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मैंने जितना विलेज के लोगों को, गांव के लोगों को अपना पाया है, उतना मैं शहर के लोगों को, मेरे ख्याल से इतने वो आपके हेल्पफुल नहीं होते, इतने चाहने वाले नहीं होते जितने गांव के लोग आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये भाई साहब ने हमें कोल्ड ड्रिंक की भी ऑफ़र की और हमें पिलाई भी, और बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर खाना बन रहा था
और इन्होंने हमें खाने की ऑफ़र भी की कि हमारे साथ खाना खाएं, और बहुत इसरार किया। लेकिन ये कि बस मैं थोड़े जल्दी में थी, मैंने एक दो बिस्किट्स ले लिए और बस फिर वहाँ से मैं निकल आई। सो और जी ये था बस मेरा आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है। और ये क्यूट सा बेबी जो यहाँ पे खड़ा था, गोलू मोलू सा। और जी बस अब मेरी वापसी हो रही है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।